हेलो गाइस, फिर से मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसका अनबॉक्सिंग करूँगा लिजियन लैपटॉप लेनोवो का। ठीक है, आप इसका लुक देख सकते हैं हमारे डब्बे पे और इसका ये बॉक्स भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मोटे डब्बे में आती है ये। ठीक है, और इसका देखिए बहुत ही हैवी रहता है ये, काफ़ी लैपटॉप की वजह से ये बहुत बड़ा, जैसे आप आसूस में आसूस के डब्बे देखते होंगे और बहुत ही, हाँ आसूस के डब्बे ही मोटे आते हैं, इससे लिजियन का भी आता है। ठीक है, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इंटेल कोर i7 10 जनरेशन 2.6 GHz 16 GB रैम, स्टोरेज 512 SSD, 1650 ग्राफिक्स, 4 सेल बैटरी है, विंडोज 10 सिंगल लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, प्लेटिनम ब्लैक है ये। ठीक है, अब इसका देखिए GTX 6050 ग्राफिक्स मिलेगा फुल HD आपके, इसके साथ ये आपका ये लुक आ गया। अब मैं अनबॉक्सिंग करूँगा इसका, देखूंगा क्या आपका इसमें कुछ है। ठीक है, मैं डब्बा खोला। ठीक है, मैं देखिए आपके सामने ये क्लिक है, काफ़ी मोटे डब्बे में रहती है ये बॉक्स है ये, अब काफ़ी अच्छा बहुत ही खूबसूरत से पैक किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसको खोलूँगा, चार्जर आपको मिल जाएंगे, आपको एक पावर केबल मिल जाएंगे इसके, और इसके साथ तो कुछ नहीं, मैनुअल वगैरह रहते हैं और इसके साथ ज़्यादा कुछ रहता है नहीं, मैं इसमें भी चेक कर लिया बट है कुछ नहीं। ठीक है, और मैं रखूँगा, ठीक है, डब्बा तो बहुत हैवी लग रहा है गाइस। ठीक है, मैं इसको अब खोलूँगा, खोलते के साथ देखिए पैकिंग भी बहुत खूबसूरत की गई है इसकी, ये बॉक्स खोलते के साथ आपको बहुत ही दिखेंगे, और बहुत ही लाइट वेट है लैपटॉप, लाइट वेट नहीं क्या है, बहुत ही हैवी है, और आप देखेंगे बहुत ही, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप है। ठीक है, जितने मोटे डब्बे हैं उतना मोटा ही ये लैपटॉप भी आपको दिख रहा है। ठीक है, बट लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, आप इसको मैं दिखाऊंगा इसमें क्या क्या है। देखिए, आप इसको लिजियन लैपटॉप के ऊपर ही साइड पैनल में लिखा है लिजियन। ठीक है, आपका देखिए मोटी दो फिटिंग दिया है आपका फैन के लिए, हैवी से हैवी गेम खेलेंगे, कोडिंग डिजाइनिंग कुछ भी करेंगे आपको एकदम धांसू जो बहुत कूलिंग चलेगा, आपका हीट नहीं करेगा आपका। इसमें आपको दो एक HDMI दो USB दे रखा है, आप इसका देख सकते हैं, और यहाँ पे लाइट इंडिकेट करेगा। तो मैं आपको इसको चार्जर दिखाऊंगा, इसका कितने वोल्ट के चार्जर होते हैं। ठीक है, मैं इसको रैपर को बाहर निकाला, बहुत ही खूबसूरत USB आपका इसमें चार्जर रहता है 170-160 के आसपास। ठीक है, देखिए कितना 170 वॉट दे रखा है इसमें, देखिए इसका पावर केबल रहता है इसके एडप्टर के साथ, जो एक नॉर्मली सारे बेसिक लैपटॉप के पावर केबल में रहते हैं, देख सकते हैं ये पावर केबल है, USB एक चार्जर, और इधर हम साइड में आएंगे जो कुछ है नहीं। ठीक है, और देखेंगे इसका लुक, हाँ देखिए बहुत ही इसका आप लुक देख सकते हैं। ठीक है, i7 दे रखा है, ग्राफिक्स भी है। ठीक है, ये हरमन का स्पीकर है, पहले लोग डॉल्बी साउंड आता था, अब हरमन दे रखा है सारे में। ठीक है, उससे भी ऊपर का साउंड आता है ये, इसका पावर प्रेस करेंगे ऑन करके। ठीक है, ये आप देखेंगे कुछ देर कुछ सेकंड में ये ऑन होगा, क्योंकि ये जितने भी गेमिंग लैपटॉप है थोड़ा टाइम लेते हैं अपने सिस्टम को ऑन करने में, ये सारे प्रोसेस सारे मशीन एक बार में रन करते हैं तो जाके ये आप दिखेगा, आप देख सकते हैं इसको कुछ ही देर में ये ओपन हो जाएगा, आप उसके बाद लिजियन आपका साफ साफ स्क्रीन पे दिखेगा, दिख गया। ठीक है, ये आपको कॉन्फ़िगर हो रहा है, बस जैसे ही प्रोसेस है सारे लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करने का, उस तरह से आप कंट्री लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंट्री है लैंग्वेज सेलेक्ट करके US इंडिया वगैरह वगैरह जिस दैट जो भी आपको सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है, जिस तरीके से बाकी भी पीछे वाले वीडियोस में आपको मैंने दिखाया था कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ना है, आपको लाइसेंस का लोगो मिल जाएगा, आप यूजर नेम आप कुछ भी अपना नाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, लिजियन भी डाल सकते हैं, लैपटॉप का नाम भी डाल सकते हैं, या खुद का भी लैपटॉप खुद का भी नाम डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हाँ पासवर्ड भी देख सकते हैं, पासवर्ड भी आएगा तो पासवर्ड भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप ये देखेंगे कि मैं लोगो दिखाऊंगा i7 का, i7 10 जनरेशन का लोगो है ग्राफिक्स के साथ। ठीक है, और उसके मैं डिस्क्रिप्शन में दिखाऊंगा डिस्क्रिप्शन में क्या है, इसका रन करेंगे विंडोज प्लस R से रन आ जाएगा DHT IG। ठीक है,
इसमें आपको ये दिख जाएगा, ये आपको दिखेगा। देखिए इसमें आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होम सिंगल लैंग्वेज, जब ये विंडोज जेन्युइन है लैंग्वेज आपको इंग्लिश मिल जाएगा। ठीक है, लेनोवो 4i7 10 जनरेशन है, 2.6 GHz से 12 CPU, 16 GB रैम मिल जाएगा आपको इसमें। i7 में आपको लिजियन i7 में 16 GB रैम आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा देर में आगे बढ़ते हैं तो इसका आपका इसको आपको ग्राफिक्स एनवीडिया का GTX 6050 मिल जाएगा, जिसका 4 GB ग्राफिक्स है, टोटल 12 GB दिखा रहा है प्रक्स मेमोरी शेयर करके। और डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको हार्ड डिस्क आपका दिख जाएगा कि SSD कितनी GB है, 512 SSD है जो कट के 475 की ओर आ रहा है। थैंक यू सो मच। वीडियो में